नमस्कार, सुरमे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में चुनाव घोषणा के बाद कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने की नोटों की बारिश। 13 अप्रैल को दर्ज होगा नामांकन। कोरबा रेलवे स्टेशन पर पब्लिक टॉयलेट में आग से मचा हड़कंप, घंटों बाद पाया गया काबू, असामाजिक तत्वों की थी करतूत। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में इस बार बसपा प्रचार की जिम्मेदारी तेज तर्रार महिलाओं को। अतीक अहमद की पत्नी होंगी महापौर पद की प्रत्याशी। उम्र कैद की सजा के बाद माफिया अतीक को साबरमती ले जा रही है पुलिस, शाम तक पहुंचेगा काफिला। मध्य प्रदेश के भोपाल में फौजी मेले का आयोजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। बीजेपी सांसद गिरीश बापट का निधन। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में ली अंतिम सांस। दिल्ली में एससीओ एनएसए के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू, डोभाल ने शीर्ष अधिकारियों का किया स्वागत। आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी में होगा बदलाव, रोहित शर्मा की जगह सूर्य कुमार यादव संभालेंगे कमान। ग्वालियर में बाल आयोग की टीम का ईसाई मिशनरी स्कूल पर छापा, बगैर मान्यता के चल रहा था स्कूल और नन ट्रेनिंग सेंटर। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान, 10 मई को होगा मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमे टाइम्स के साथ और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।